हाय फ्रेंड्स, दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग और मैं आपको नॉर्थ गोवा के बहुत अच्छे रिजॉर्ट प्रीमो बॉम तेरावाडे का रिव्यू देने जा रही हूँ। तो ये आपका एंट्रेंस था और यहाँ पे है पार्किंग एरिया, दोनों साइड है पार्किंग एरिया और ये पार्किंग एरिया फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना है। ये फोर व्हीलर और टू व्हीलर दोनों के लिए है। ये पार्किंग एरिया भी काफ़ी बड़े स्पेस में है। हम लोगों ने इसी रिजॉर्ट में स्टे किया था तो ये आपका एकदम ओरिजिनल रिव्यू होगा। एंट्रेंस करते ही आपको सबसे पहले रिसेप्शन एरिया दिखेगा, ये है आपका रिसेप्शन एरिया, काफ़ी बड़े एरिया में है ये रिजॉर्ट। के बाद ये है हमारा वेटिंग एरिया जिसमें आपको सीटिंग अरेंजमेंट और फैन अवेलेबल है। इसके बाद एंट्रेंस करते ही आपको ये लेक दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लेन है और दोनों लेन के बोथ साइड लेक व्यू है। इसके बाद ये है हमारा होटल एरिया, यहाँ पे रूम्स मिलेंगे आपको, रूम्स भी काफी अच्छे हैं। ये है पूरा लेक व्यू जो कि कॉटेजेस के बाहर है और कॉटेजेस के दोनों साइड है। दिस इज द पूल एरिया, यहाँ का बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है, काफी बड़ा और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। दो तरह के रूम्स अवेलेबल हैं, कॉटेजेस रूम जो कि वुडन कॉटेजेस होते हैं और इसके अलावा आपको होटल रूम्स मिलेगा। पूल के बाहर आपको सीटिंग एरिया भी मिलेगा। ये रिजॉर्ट बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे बच्चों के लिए अलग से प्लेइंग एरिया दिया गया है। अगर आप अपने साथ अपने छोटे बच्चों को लेके आते हैं तो उसके लिए काफ़ी स्पेसियस रिजॉर्ट है ये। और ये है बच्चों का प्लेइंग एरिया, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। ये है यहाँ के वुडन कॉटेजेस काफ़ी बड़े एरिया में हैं और बहुत सारे वुडन कॉटेजेस हैं यहाँ पे। ये है यहाँ का एंट्रेंस और आप देख सकते हैं दोनों साइड लेक व्यू है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के टैरिफ रेट का, तो यहाँ पे 2500 टू 8000 तक का टैरिफ जाता है अकॉर्डिंग टू सीजन। इसके बाद आ जाते हैं हमारे रूम में, तो ये है हमारा एंट्रेंस। करते ही यहाँ पे आपको डबल बेड जो बहुत कंफर्टेबल है, इसके साथ साथ टेबल, वार्डरोब जो कि काफ़ी स्पेसियस है, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ब्लैंकेट एंड पिलो मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक फ्रिज, कॉफ़ी मेकर भी अवेलेबल कराया जाता है। छोटा सा एक बेसिन भी दिया गया है। अब ये हमारा वॉशरूम जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये है शावर एरिया, अब चलते हैं अपने बालकनी एरिया में। यहाँ का बालकनी भी काफ़ी अच्छा है और इसका व्यू भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट और उसके साथ साथ एक क्लॉथ रैक भी मिलेगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा।